नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम फेरम मेटालिकम होम्योपैथिक दवा के फायदे और उपयोग के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाए। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला लक्षण में रक्त की कमी के साथ झूठी रक्तिमा। रक्त की कमी के कारण रोगी का चेहरा फीका या पीला पड़ जाता है। चेहरे के इस प्रकार फीके या पीला पड़ जाने के दो कारण हो सकते हैं। या तो रोगी पौष्टिक पदार्थों का शरीर में समीकरण ना कर सकता हो, भोजन उसे लगता ना हो, या रक्त स्राव के कारण अथवा शुद्ध हवा, प्रकाश तथा पौष्टिक भोजन ना मिलने के कारण उसके रुधिर में कोई कमी आ गई हो। सिर्फ इन दो लक्षणों के आधार पर फेरम देना होम्योपैथी के सिद्धांत के विरुद्ध है। अगर होम्योपैथी के सिद्धांत के आधार पर इस दवा को देना हो तो इसे तब देना चाहिए जब रक्त की कमी के साथ रक्त का भिन्न भिन्न अंगों में वितरण ठीक ना हो। उदाहरण के लिए रोगी का गाल सुर्ख हो, गालों की लाली उसके उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक है, परंतु इस नकली लाली के बावजूद उसके होठों के आसपास फीकापन और पीलापन हो, अथवा उसका पीला और कांतिहीन चेहरा जरा सी उत्तेजना में गुलाबी हो उठे। साधारण तौर पर चेहरा फीका रहता हो, परंतु कोई मित्र आ जाए, गर्म कमरे में प्रवेश होने पर, किसी से दुत्कारे जाने पर, शारीरिक या मानसिक परिस्थिति में जरा से परिवर्तन आने से उसके फीके चेहरे पर क्षण भर के लिए लाली दौड़ जाए। वह कमजोर होता है, छिड़काए, उसका हृदय जोर से धड़कता है, सांस चढ़ जाता है, जरा से परिश्रम से हांफने लगता है, किसी काम को कर नहीं पाता, आराम से परा रहना चाहता है, परंतु दोनों गालों पर कभी उक्त परिस्थितियों में लाली दौड़ जाती है, इसलिए कोई उसे कमजोर कहने को तैयार नहीं होता। यह झूठी लाली है जिसके लिए फेरम मेटालिकम उपयुक्त औषधि है। एलोपैथ में इस कमजोरी को देखकर ही फेरम दे देते हैं। होम्योपैथी में ऐसा नहीं है, उसमें उक्त लक्षणों पर ही यह दवा दी जाती है। नौ, यौवन के समय लड़कियों की रक्तहीनता। इस औषधि का उन लड़कियों पर आश्चर्यजनक प्रभाव होता है जिनका यौवन आ जाने पर भी मासिक रजस्राव नहीं हो पाता, परंतु इसके स्थान में एक तरह की खांसी होने लगती है और चेहरे पर पीलापन दिखलाई देता है। नौ यौवन काल में यह रक्तहीनता, पीलापन और खांसी इतनी आम तौर पर पाई जाती है कि प्रत्येक माता इससे परिचित होती है और इस बात से डरती रहती है कि कहीं उसकी लड़की को यौवन काल में यह रोग न सताने लगे। चिकित्सकों को ऐसी रोगिणी लड़कियों का इलाज करने का आम मौका पड़ता है। कभी कभी यौवन के प्रथम मासिक धर्म में बहुत परिमाण में रजस्राव होता है, उसके बाद बेहद कमजोरी आ जाती है और यह क्रम कई साल तक ऐसे ही चलता है, तब जाकर नियम पूर्वक ठीक से मासिक होने लगता है। ऐसी हालत में एलोपैथ तो रोगिनी को बकायदा लौह के कुछ न कुछ मिक्सचर पिलाते रहते हैं। वैद्य लोग लौह भस्म देते हैं, परंतु इनको जितना लौह दिया जाता है उतनी ही उनकी तबीयत बिगड़ती है। ऐसी हालत में शक्तिकृत फेरम मेटालिकम लाभ देता है, परंतु यह तभी लाभ देता है जब इसका मुख्य लक्षण मौजूद हो। इसका मुख्य लक्षण क्या था, मैंने बताया, जैसे कि अत्यंत निर्बलता के साथ झूठी रक्तिमा का चेहरा, अर्थात कमजोरी के साथ चेहरे पर झूठी लाली। और अगर ऐसा लक्षण मिलता है तो फेरम मेटालिकम औषधि लाभ जरूर करेगा। आगे बढ़ते हैं, तो शरीर के जीवन प्रद रसों की हानि से रोग। इस औषधि का एक मुख्य लक्षण यह है कि जब शरीर में जीवन प्रद रस निकल जाते हैं, देर तक रुधिर स्राव हो जाता है, तब शरीर इतना क्षीण हो जाता है कि दुर्बलता हटाए नहीं हटती, शरीर स्वस्थ नहीं हो पाता, खाया पिया शरीर को नहीं लगता। देखने को तो रोगी स्वस्थ लगता है, गालों में गुलाब सी लाली भी दिखाई देती है, परंतु अंदर से वह अपने को खोखला अनुभव करता है। जीवन प्रद रसों के, वीर्य, रुधिर आदि के अत्यधिक निकल जाने से अगर झूठी रक्तिमा के साथ दुर्बलता अनुभव होने लगे तो फेरम मेटालिकम से लाभ होगा। जीवन प्रद रसों के निकल जाने से निर्बलता के लक्षण चाइना में भी पाए जाते हैं, इसमें चाइना भी लाभदायक है। और जैसा लक्षण मैंने बताया है, झूठी लालिमा के साथ अगर जीवन प्रद या वीर्य या रुधिर अधिक मात्रा में निकल जाए तो फेरम मेटालिकम लाभ जरूर देगा। इसके आगे के लक्षण को देखते हैं। गर्भावस्था में बिना मिचली के भोजन को जैसे का तैसा वमन कर देना। इस औषधि में कैत होती है, परंतु
कैश से पहले मिचली नहीं होती, यह अद्भुत लक्षण है। साधारण तौर पर कैश से पहले जी मिचलाता है, परंतु इसमें भोजन खाने पर बिना जी मिचलाए सारा भोजन जैसे का तैसा निकल जाता है। रोगी भर पेट खा लेता है और बाहर जाकर उल्टी कर देता है और फिर खाने के लिए आ बैठता है। ऐसा लगता है जैसे पेट में पाचक रस बिल्कुल नहीं है, पेट चमड़े की एक थैली है, उसमें भरा और उलट दिया। यह अवस्था गर्भावस्था में प्रायः देखी जाती है, परंतु गर्भावस्था के बिना भी अगर कहीं यह लक्षण पाया जाए तो इस औषधि की तरफ ध्यान जाना चाहिए। इसमें मिचली नहीं होती, कै होने से पहले चेहरे पर रक्तिमा झलकने लगती है, जिस आसानी से रोगी खाता है उसी आसानी से खाए हुए को उलट भी देता है और ऐसे लक्षण में भी फेरमेटेलिकम बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होती है। आगे बढ़े तो कभी अत्यंत भूख और कभी भूख ना लगना, क्योंकि रोगी के रक्त वितरण में असंतुलन हो गया है, इसलिए कहीं रक्त का अतिसंचार और कहीं रक्त का अभाव पाया जाता है। इसका पेट पर जब प्रभाव पड़ता है तब रोगी कभी भूख से व्याकुल हो जाता है, साधारण से दुगुना खा जाता है, कभी उसे भूख बिल्कुल ही नहीं लगती। जब भूख लगती है तब दुगुना खा जाने पर भी भूख नहीं मिटती, जब पेट शिथिल हो जाता है तब कुछ भी खाया नहीं जाता, पेट सदा बिगड़ा रहता है। यह हम पहले भी कह चुके हैं कि मितली हुए बिना पेट में से सब निकल पड़ना इस औषधि का विचित्र लक्षण है, और कभी अत्यंत भूख लगना और कभी भूख ना लगना ऐसा लक्षण भी इस औषधि में पाया जाता है, और ऐसे में यह औषधि लाभ देता है। एक लक्षण समझें तो बच्चों में मूत्र का टपकते रहना, रुधिर के असमान वितरण का मूत्राशय पर भी प्रभाव पड़ता है। बच्चा जब तक खेलता रहता है उसके मूत्राशय में से मूत्र बूंद बूंद टपकता रहता है और उसका कच्छा भीग जाता है। जब वो आराम से लेट जाता है तब हालत में कुछ सुधार आता है। उसका मूत्राशय इतना ढीला और थका रहता है कि मूत्र को रोक नहीं सकता, जो ही वह आधा भरता है मूत्र निकलने लगता है। रुधिर के असमान वितरण के कारण प्रत्येक अंग में शिथिलता का होना इस औषधि का एक चरित्रगत लक्षण है, और ऐसे में फेरमेटेलिकम लाभदायक है। एक लक्षण है बहते पानी को देखकर चक्कर आ जाना। बहते पानी को देखकर रोगी को अपने को संभालना पड़ता है, नहीं तो चक्कर आ जाता है। अगर रोगी पानी के पुल पर से गुजर रहा है तो नीचे नहीं देख सकता। लाइकों में भी यह लक्षण है, ऊंचाई से नीचे उतरते समय भी व्यक्ति को चक्कर आ जाता है। यह लक्षण बोरेक्स में भी पाया जाता है, यह लक्षण लाइकों में है, और फेरम मेटेलिकम में भी यह लक्षण पाया जाता है कि बहते पानी को देखकर चक्कर आ जाता है, ऐसे लक्षण में भी फेरम मेटेलिकम उपयोगी साबित होती है। आगे बढ़ते हैं तो रजोधर्म के शुरू होने के बीच में 2-3 दिन छोड़कर रुधिर चलना। रुधिर के असमान वितरण का रजोधर्म पर भी प्रभाव पड़ता है। समय से बहुत पहले बहुत अधिक और बहुत देर तक रुधिर जारी रहता है, परंतु रुधिर में लाली नहीं होती, पीलापन पनीलापन होता है। रोगिणी को इस समय बेहद कमजोरी होती है और रजोधर्म के शुरू होने के बीच बीच में 2-3 दिन छोड़कर रुधिर चलता है। इस समय रोगिणी के मुख पर झूठी लालिमा दिखलाई देती है, और ऐसे लक्षण में भी फेरमेटेलिकम लाभ देता है। आगे बढ़े तो शीत प्रधानता तथा विश्राम से रोग वृद्धि की प्रकृति। इस औषधि के विषय में इसकी प्रकृति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रोगी शीत प्रधान होता है, गर्मी से उसे राहत मिलती है। शीत प्रधान होते हुए भी दर्द में उसे सर्दी ही पसंद होती है। उदाहरण के लिए गर्दन, चेहरा, दांत आदि के दर्द में उसे ठंड से आराम मिलता है। कैफिया के विषय में हम पहले भी कह आए हैं कि वह भी शीत प्रधान है, परंतु उसमें भी दांत के दर्द में मुंह में बर्फ रखने से आराम मिलता है। शीत प्रधान होने के साथ साथ रोगी की तकलीफें विश्राम से बढ़ जाती है, धीरे धीरे हरकत से चलने फिरने से उसे आराम मिलता है, परंतु यह हरकत धीमी होनी चाहिए, तेज नहीं। हृदय की धड़कन में दमे में तो यह एक विलक्षण लक्षण है, और इन रोगियों में इस लक्षण के पाए जाने पर धड़कन और दमा में फेरम से ठीक हो जाता है। फेरम मेटेलिकम के अन्य लक्षण को समझें तो फेरम मेटेलिकम औषधि का अन्य लक्षण को समझें तो दमे या दिल की धड़कन में जब हरकत से आराम मिले। डॉक्टर नैश लिखते हैं कि अगर दमे, हृदय की धड़कन या अन्य किसी रोग में जिसमें साधारण तौर पर हरकत से रोग की वृद्धि होती है, अगर रोगी को हरकत से आराम मिले तो यह एक अद्भुत लक्षण है जिसमें फेरम मेटेलिकम से लाभ होगा। आगे देखें तो दर्द में जब हरकत से आराम मिले, डॉक्टर नैश एक स्त्री का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि उसका चेहरा पीला था, बाजू में दर्द था, उसे कई दवाइयां दी गईं, आराम नहीं हुआ। अंत में इस लक्षण पर कि उसे दर्द के समय रात को बिस्तर छोड़कर कमरे में आगे पीछे फिरने से ही आराम आता था, फेरमेट की 1000 शक्ति की एक मात्रा दी गई, जिससे वह बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टर नैश कहते हैं कि कई लोगों का विचार है कि धातुओं की शक्तिकृत मात्रा से लाभ
नहीं होता, परंतु उनका अनुभव यह है कि फेरम अर्थात लोहा, स्टेनम अर्थात टीन, जिंकम अर्थात जिंक तथा प्लैटिनम की उच्च शक्ति की मात्रा से उन्होंने कई रोगियों को ठीक किया है। इसलिए यह समझना कि धातुओं की उच्च शक्ति का रोग को दूर करने में कोई प्रभाव नहीं है भ्रम मात्र है। ऐसे रोग में जब हरकत से आराम की आशा तो ना की जा सके, परंतु हरकत से आराम मिले या जब हरकत से आराम होना ही मुख्य लक्षण हो, तब फेरम का प्रयोग लाभप्रद साबित होता है। एक लक्षण है कि ज्वर में शीतावस्था में चेहरे पर रक्तिमा। डॉक्टर नैश का कथन है कि ऐसी औषधियां बहुत थोड़ी हैं जिनमें ज्वर की शीतावस्था में चेहरे पर रक्तिमा आ जाए। स्वभावतः शीत लगने पर चेहरा पीला पड़ जाना चाहिए। फेरम का अद्भुत लक्षण यह है कि शीतावस्था में रोगी के चेहरे पर झूठी लालिमा आ जाती है और इस लक्षण के आधार पर फेरम मेटेलिकम से लाभ जरूर मिल जाता है। एक अंतिम लक्षण है उत्तर की तरफ सिर रखकर सोने से लाभ। डॉक्टर टैलर लिखती हैं कि जिस रोगी की नींद की शिकायत हो, वह अगर उत्तर की तरफ सिर रखकर सोएगा तो उसे अच्छी नींद आएगी। इसके कारण का विवेचन करते हुए उनका कहना है कि शरीर में लौह की प्रभूत मात्रा रहती है। पृथ्वी में भी उत्तर दक्षिण दिशा में भूगर्भ चुंबक है। शरीर को भूगर्भ चुंबक की दिशा में रखकर सोने से शरीर में संचार कर रहे रक्त की लौह के अणुओं पर भूगर्भ चुंबक का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। वे एक ही दिशा में बहते हैं जिससे मस्तिष्क पर शांतिदायक प्रभाव पड़ता है और नींद अच्छी आ जाती है। तो आप भी एक बार जरूर आजमाइएगा, अगर अनिद्रा की स्थिति है, नींद काफी समय से नहीं आ रहा है, तो एक बार आप उत्तर दिशा में सोकर देखिएगा, आपको अच्छी नींद आ जाएगी। अगर दिमाग शांत होगा तो नींद तो जरूर आ जाएगी। शक्ति तथा प्रकृति की बात करें तो 2X6X बायोकेमिक में 3200 होम्योपैथी में बिल्कुल इसका इस्तेमाल किया जाता है। कमजोरी की हालत में निम्न शक्ति देनी चाहिए। औषधि सर्द प्रकृति के लिए है और जैसा मैंने लक्षण बताया है उस आधार पर आप बायोकेमिक या होम्योपैथिक दोनों दृष्टि से बिल्कुल इस औषधि का उपयोग कर सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। अगर वीडियो देखने के बाद भी समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पर दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। याद रखें दो दवा लेने के बीच हमेशा 10 से 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रिक्वेग, SBL, एडल किसी भी कंपनी का दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी हैं। धन्यवाद।